हमारे पूर्वज गुणों के खान थे, हमारे विद्वान ज्योतिष गण गुणों के खान थे। वो ऐसे ऐसे सुझाव हमको देके गए हैं जो वर्तमान में हमको हमारे लिए बहुत लाभप्रद हैं। हम उनके थैंकफुल हैं, वो विरासत में हमको इतना ज्ञान परोस के गए हैं। हालांकि शोध बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहते हैं, मैं भी शोधरत हूँ, शोधार्थी हूँ, नित नई बातें खोजती रहती हूँ, लेकिन पूर्वजों की कृतज्ञ हूँ, दैवज्ञों की कृतज्ञ हूँ। वो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी बातें सोची उन्होंने और हमारे लिए विरासत में दे के गए उन बातों को। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। आज बेहद ख़ास आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। वो मेरा ओरिजिनल नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मेरा ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे गुरु हैं, उनके द्वारा मैंने ये प्राप्त किया है ज्ञान, और वही मैं आपको परोस रही हूँ। मेरा जो ज्ञान है शास्त्र सम्मत होता है, आपको पता ही है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ। ज्योतिष के साथ खिलवाड़ करने का तो मैं सोच ही नहीं सकती। ज्योतिष मेरी गरिमा है, मेरी मर्यादा है, मेरा सब कुछ है, तो मैं इसका अनुसरण करती हूँ और आपको भी लाभान्वित करने का प्रयास करती हूँ। मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 25 वर्षों का अनुभव बोलता है, आप ये जानते हैं। तो 25 वर्ष की अनुभवी महिला हूँ, 25 वर्ष से ज्योतिष कर रही हूँ, बल्कि ज़्यादा ही समय हो गया है, और निरंतर परामर्श दे रही हूँ। तो आप मेरे 25 साल के अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। नवरात्र ऑफ़र उपलब्ध हैं, जो हिंदू नववर्ष ऑफ़र है उपलब्ध हैं। इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। नॉमिनल से फ़ीस है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। वैसे ही मेरी नॉर्मल फ़ीस भी अफोर्डेबल होती है, लेकिन 50% डिस्काउंट है तो आप खुद सोचिए कितना कम मैं अमाउंट ले रही हूँ। बड़े बड़े जो दैवज्ञ सो कॉल्ड ज्योतिषी अपने आप को बोलते हैं, तो वो कितनी फ़ीस आपसे चार्ज करते हैं, हज़ारों में, ये आप भुक्तभोगी हैं। और उनके फलादेश कितने आप पे उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते भी होंगे, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है कई लोगों की। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को पता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या फ़ीस है। ऐसे में हमारा शुल्क आपको नॉमिनल से लगेगा और 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो नवरात्रि ऑफ़र का लाभ उठाइए और हमसे संपर्क करिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपको बताने में सक्षम है कि सप्ताह के किस दिन आपको तेल नहीं लगाना चाहिए और क्या तेल लगाने का महत्व है और तेल लगाना कितना खतरनाक हो सकता है इस दिन, पर्टिकुलर इस दिन। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और आप जान पाएंगे सप्ताह का ऐसा कौन सा दिन है जब तेल लगाना मृत्यु तुल्य कष्ट को लेकर आने वाला होता है। तो आपको इससे बच के रहना है। आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको जानकारी भर दे रही हूँ कि आपको पता तो हो कि किस दिन तेल लगाना शुभ नहीं होता। आप घर परिवार वाले हो, गृहस्थी वाले हो, आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। तो मेरे वीडियो इसीलिए आपके बहुत काम के होते हैं, जो आपको सलाह के अलावा मार्गदर्शन भी देते हैं। और ये मैं नहीं कहती, आप कमेंट सेक्शन में जो पिंड वाले जो कमेंट होते हैं उनको पढ़ा करिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कितना लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं। ये भी मैं नहीं कहती, आप प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ा करिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि सप्ताह के 7 दिन आपको किस दिन तेल लगाना है और किस दिन तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली संडे को ही ऑफ होता है और संडे को ही बॉडी मसाज, हेड मसाज, तरह तरह की मसाज होती है। लेकिन आपको बता दूं, संडे को तेल चुपड़ना ज्वर को निमंत्रित देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तेल का प्रयोग अपने शरीर पर शनिवार के दिन करता है, उसको ताप होता है, उसको ज्वर होता है। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग टेंडेंसी होती है, इसमें कितनी सत्यता है आपके अनुभव मुझे बताएंगे तो आप मुझे बताना। लेकिन इसकी काट ये है कि उसमें कुछ पुष्प डालकर अगर आप बॉडी मसाज करते हो या तेल लगाते हो तो इसकी काट हो जाती है और फिर आपको ज्वर नहीं आता है। सोमवार को जो तेल मालिश होती है वो बहुत शुभ होता है। सोमवार को आपको तेल मालिश अवश्य ही करनी चाहिए, इससे सुकांति आती है, यानी चमक आती है आपके चेहरे पर, चेहरे और पूरी बॉडी पर चमक आती है। तो सोमवार के दिन बॉडी मसाज या हेड मसाज या फेस मसाज, जो भी मसाज आप करते हैं तेल के द्वारा, तेल की ही बात कर रही हूँ, किसी भी तरह का तेल आप ले सकते हैं, लेकिन तेल मसाज आप करते हैं
कहीं भी किसी भी अंग पर करिए, लेकिन इससे आपको कांति यानी चमक पैदा होती है, ये आपके लिए शुभ होती है। मंगलवार के दिन तेल मालिश भूल कर भी ना करें, इससे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हम तो छोटी बात बोल रहे हैं, प्रॉपर गड़बड़ मामला लिखा हुआ है मंगलवार को। अब ये एकाध बार में नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर हर मंगलवार को मसाज करता है उसको कष्ट आता है। इसकी काट भी दी हुई है, थोड़ी सी मिट्टी आप डालकर मसाज करते हैं तो इसकी काट होती है। तो लेकिन हम आपको सलाह यही देंगे कि इतना खतरनाक काम भला क्यों करना, जो कष्ट आपको दिखाई दे रहा है तो उससे क्यों आप उलझते हैं। किसी अन्य दिन कर मसाज कर लिए, ऐसी कौन सी गाड़ी छूटती जा रही है, तो आप सोमवार के दिन मसाज कर लीजिए। सोम मंगल में एक ही दिन का फ़र्क है, तो सोमवार को मसाज करिए, इससे आपको बहुत शाइनिंग प्राप्त होगी। जो मनुष्य बुधवार के दिन तेल मसाज करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। अरे वाह, बड़े बड़ी अच्छी बात बोली है। तो आपको बुधवार को तो तेल मालिश अवश्य ही करनी चाहिए, चंपी अवश्य करानी चाहिए। गाना भी है ना, तेल मालिश करा लो तेल मालिश, तो ऐसा गाना भी गाते जाइए आप और तेल मालिश भी करते जाइए और धन की बरसात भी आप अनुभव करिए, आपकी तिजोरी भर जाएगी। ऐसा चमत्कारिक प्रयोग मैंने आज आपको बताया, तो बुधवार को तेल मालिश अवश्य ही करिए, किसी भी तेल से करिए लेकिन बुधवार को तेल मालिश जरूर करनी है। गुरुवार को तेल मालिश भूल कर भी ना करें, इससे आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, भारी आपको तबाही आ सकती है। तो गुरुवार के दिन तेल लाना भी नहीं चाहिए, वैसे तेल लाने का भी निषेध किया गया है कि गुरुवार को तेल ना लाएं ना लगाएं, लेकिन आप ले भी आते हैं तो शुभ दिनों में लाइए जब तेल लाना अच्छा होता है। चला के ऐसे दिन का चयन क्यों करें जब तेल का प्रयोग ही नुकसान करता है। तो पैसों का नुकसान आपको हो सकता है अगर आप गुरुवार को तेल मालिश करते हैं। हालांकि काट दी हुई है कि इस प्रयोग से इसकी काट हो जाती है, वो मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको पैसों का नुकसान हो। तो भूल कर भी गुरुवार को तेल मालिश ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, स्पेशली पैसों का नुकसान। शुक्रवार के दिन हमने तो सोचा था तेल मालिश करना अच्छा होगा, लेकिन हमें भी अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई। शुक्रवार को तेल मालिश करने से विपत्ति आती है और हानि होती है, तो शुक्रवार को भूल कर भी ये प्रयोग ना करें, तेल की मालिश ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। आप खुशबूदार तेल का प्रयोग दीपक जलाने में कर सकते हैं और वंस इन ए वाइल मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर कंटिन्यूशन में मसाज करते हैं तो आपको विपत्ति आ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो इससे बच के रहें। और शुक्रवार के दिन भी मालिश का निषेध है। जो मनुष्य शनिवार के दिन तेल मालिश करता है उसको सुखों की प्राप्ति होती है, वो सदैव जीवन में सुख ही सुख भोगता है। तो तेल उसके लिए प्रतिकूल हो या अनुकूल, सभी के लिए अनुकूल होता है। तो तेल आपको मसाज के रूप में काम में लेना है, हेड मसाज करिए, बॉडी मसाज करिए, फेस मसाज करिए, लेकिन किसी न किसी रूप में शनिवार को तेल मसाज अवश्य करनी चाहिए, इससे आपको सुख मिलता है। सुख के कई मायने हैं, आप जिस चीज़ को सुख मानते हैं उसका मायने लगा लीजिए कि आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो शनिवार के दिन तेल मसाज करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। मेरे से परामर्श लेने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, तो नवरात्रि ऑफर का लाभ लीजिए, 50% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तुरंत संपर्क करिए, एक छोटी सी सलाह आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है, आपको तरक्की दे सकती है और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। पति पत्नी अगर मैटर है तो दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना पड़ेगा। एक ही कुंडली नहीं है, एक का समय आपको पता नहीं है, तो पाम रीडिंग मैं करती हूँ तो पामिस्ट्री के भी उतने ही चार्जेस हैं। तो हाथ के प्रिंट भेजिए, दोनों हाथों के प्रिंट भेजिए और हमसे सलाह लीजिए। फोटो एनालिसिस भी आप करवा सकते हैं, अगर आपकी कुछ भी नहीं है, ना जन्म पत्री की डिटेल है ना आपकी पामिस्ट्री की डिटेल है, पामिस्ट्री की डिटेल तो होगी ही आपके पास, भेजना ना चाहें तो अलग बात है, लेकिन आप फेस रीडिंग भी करवा सकते हैं। हम फेस रीडिंग के भी उतने ही चार्जेस लेते हैं जितने 50% डिस्काउंट में आपको ऑफर में दे रहे हैं। तो तुरंत संपर्क करिए, आप फोटो एनालिसिस कराइए, पाम रीडिंग कराइए या कुंडली रीडिंग कराइए, सब आपकी सहूलियत पर है। हम प्रत्येक सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं और ये सेवा चार्जेबल है, आपको पता ही है, नॉमिनल से चार्जेस हैं। अभी 50% डिस्काउंट वाला ऑफर दे रही हूँ आपको, तो और क्या चाहिए,
आपकी तो निकल पड़ी, तो तुरंत संपर्क करिए और मेरी सलाह लेकर लाभान्वित होइए। 25 साल का तजुर्बा है, फ़क्र से कहती हूँ 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो तुरंत संपर्क करिए। थैंक यू सो मच।